आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस मुमलकत पाकिस्तान में। आपका ताल्लुक किसी भी मस्जिद या अकीदे से हो, मुमलकत का इससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हम एक हैं में आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ शख्सियात से करवाते हैं, वो शख्सियात जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ इलाकों से हैं, लेकिन उन सब की पहचान पाकिस्तान है। यूँ तो इन शख्सियात का शुमार पाकिस्तान की 4% आबादी में आता है, जो कि नस्बता कम है तादाद में, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी कोशिशें, काविशें मुल्क की तरक्की, बका और सलामती के लिए किसी कदर भी मुल्क की बकिया 94% आबादी से कम नहीं है। नाज़रीन, आप आज आपकी मुलाकात हम जिस शख्सियत से करवा रहे हैं जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, वो एक जानी मानी हस्ती हैं, वो एक मशहूर मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, और मैं बताते चलूँ कि उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में ना सिर्फ अपनी कोशिशें मनवा कर तरक्की हासिल की, अपना नाम बनाया मुल्की सतह पर, बल्कि बैन अवी सतह पर भी मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बने। उनको मुख्तलिफ मकामात पर अवार्ड्स मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, और यहाँ तक कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आता है। आप जान गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मशहूर डिज़ाइनर दीपक पुरवानी की। उनके साथ यहाँ मौजूद हैं उनकी दोस्त, जो कि ख़ुद भी एक जानी मानी हस्ती हैं, एक सुपर मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और बहुत सारी समाजी काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अतिया खान। वेलकम टू द प्रोग्राम, बड़ा अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो हमेशा खुद खुश होता हूँ लाहौर आते हुए, बहुत खुशी होती है शहर, खूबसूरत शहर में आते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, कहाँ आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं हमें। मेरी जो शुरू की तालीम है फ्रॉम क्लास 1 to 5 वो मीरपुर खास में हुई है, क्लास 6 to 7 एक हॉस्टल में हुई हैदराबाद में, जिसका नाम था पब्लिक स्कूल हैदराबाद, और फिर कराची में सेंट पैट्स, और फिर अमेरिका, और फिर वापस, और वो एक लंबी कहानी बन गई। अच्छा। लेकिन ऑफकोर्स जो गांव का एक्सपीरियंस रहा इन सालों में वो कभी भी इंसान नहीं भूलेगा, और अभी भी हम जाते रहते हैं हर साल वहाँ पर, क्योंकि पेरूमल में जो हमारा अपना गांव है, जहाँ की हवेली है और हमारे हमारी ज़मीनें भी हैं, तो वहाँ पर हमारे दादा की बरसी होती है हर साल। अच्छा। तो आज 60 साल से वो बरसी हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें 300-500 परवानी पहुँच जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। कैसे ख्याल आया कि मैं तो एक डिजाइनर बन सकता हूँ? मैं बिल्कुल डिजाइनर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर मैं डिजाइनर ना बनता तो शायद एक्टर बन जाता। अच्छा। एक्टर तो आप हैं। एक्टर हम कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं, हम एक्टर नहीं है। और वो इत्तेफाक से मैं एक बाइंग हाउस के लिए काम करता था उस जमाने में, आउट ऑफ न्यूयॉर्क। और बड़ी यंग एज में आपने काम शुरू कर दिया? काफी यंग एज में। एंड जब मैं वापस आया तो उस जमाने में अब्बा की थोड़ी तबीयत खराब थी। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की थी। अच्छा। और यहाँ पर मैं बोर हो रहा था और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि मैं उनसे पॉकेट मनी मांग रहा था। तो मैंने कुछ वही चाचा की फैक्ट्री पर जाके कुछ कपड़ा उठाया, वहाँ से कोई 20-25 शर्टें बनाई और दुकान को सप्लाई कर दी। अच्छा। 3 दिन के बाद फोन आया उस दुकान से कि जी सारी शर्टें खत्म हो चुकी हैं। मैं कहा अच्छा, मैं और बना के भेज देता हूँ, और शर्टें बना के भेज दी। 6 दिन का फोन आएगा जी शर्टें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ठीक है। तो वो एक जो पॉकेट मनी थी वो पॉकेट मनी प्रोफेशन बन गई। मैं वापस न्यूयॉर्क कभी गया ही नहीं, अपनी वो क्रेडिट मैंने ट्रांसफर करवाए। अच्छा।
वहाँ पर एक कॉलेज में कराची में, और वहीं से ग्रेजुएट करके मैं आगे एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन गया। तो लेकिन आपने एक्टिंग भी की है कुछ? मैंने काफ़ी एक्टिंग की है, 6-7 ड्रामे। अच्छा। जब टाइम मिलता है तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। वैसे टाइम क्या कहते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है एक्टिंग करने में, और बैठना बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपको भी पता है ये बात, और आपको भी पता है साउंड चेक और माइंड चेक के हिसाब से, लेकिन एक्टिंग का मज़ा ही अपना है। अच्छा जी, तो आप इसको दो डिफरेंट फील्ड्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं ब्लाइंड हो रही होती है आप इसमें? मैं हमेशा एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट का इंतजार करता हूं। प्रोफेशनल एक्टर तो मैं नहीं, अगर साल में 3 साल में एक ड्रामा कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि स्क्रिप्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हो, या कोई इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हो, या उसमें कोई स्टोरी में कोई दम हो, तो फिर इंसान एक्टिंग करे। अच्छा। तो अभी एक स्क्रिप्ट आया हुआ है जिसको मैं देख रहा हूँ, शायद मैं एक और ड्रामा कर लूँ साल। तो अतिया, आपसे मैं पूछूँ, आपका कनेक्शन दीपक के साथ, आप इनकी फ्रेंड हैं माशाल्लाह से, तो कितने अरसे से आप लोगों का की दोस्ती है, या काम इकट्ठे किया हुआ है आपने? आई रिटायर्ड फ्रॉम मॉडलिंग मेनी इयर्स बिफोर ही बिकेम अ डिज़ाइनर। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह आपने भी बड़ी यंग एज पे ही काम शुरू किया और साथ ही स्विच भी कर लिया। जी, मॉडलिंग तो मैंने गिव अप कर दिया, आई वेंट बिहाइंड द कैमरा, तो फिर प्रोडक्शन और डायरेक्शन में ज़्यादा मैंने काम किया। सही। लेकिन फैशन से मैं रिटायर हो चुकी थी जब दीपक ने शुरू किया। ही वॉज वेरी यंग, लाइक 18-19 व्हेन ही केम टू द फील्ड। जी बिल्कुल। एंड ऑल द सीनियर पीपल जो हम लोग जो थे, वी वर थ्रिल्ड कि भाई नया एक टैलेंट जो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का काम कर रहा है, एक बिल्कुल डिफरेंट ईथॉस, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आया है। तो आई थिंक हम लोग हमारे सीनियर थे। बिल्कुल। मेरी सीनियर ही हैं। I'm a lot older than मुझे तो बड़ी हैं वैसे आप। बहुत बड़ी हैं, 10-15 साल बड़ी हूँ। बट तो आई थिंक एक पूरा ग्रुप था जिसने इसको वेलकम किया, एनकरेज किया, और इसका साथ भी दिया, और ही इज मेड अस रियली प्राउड ओवर द इयर्स। लेकिन एक्चुअली आपने कभी तो नहीं कहा होगा आपके लिए मॉडलिंग करे, या आपके लिए कुछ आपको हेल्प करें, गाइड करें, कुछ रहा ऐसा कनेक्शन? कभी कभी जब ये लड़ती नहीं है तो मॉडलिंग मेरे लिए कर लेती है, बहुत कम लेकिन कर लेती है। मेरा जब 2010 में जब मिलान का शो था, तो वापस जब मिलान से वापस आए थे तो फिनाले अतिया ने किया था हमारा। मैं इनको कम कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये अवॉइड करती हैं कि मैं रैंप पे आऊँ। अच्छा। लेकिन जब आती हैं तो मेरी बात मान लेती हैं और आ जाती हैं। हाँ, एक्चुअली माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी दोस्त है तो वो तो बात माननी पड़ती होगी। बिल्कुल। डोंट हैव अ चॉइस लाइक टुडे ही बुलीज मी इवन दो ही इज मच यंगर, थोड़ा बुली तो है। लेकिन दोस्ती में सब चल जाता है, आई गेस उसका फायदा ले लेते हैं। तो कमिंग बैक टू आपकी, जब हम फैशन डिजाइनिंग की बात करें, आपने स्टार्ट किया मेंस वेयर से और फिर आपने स्विच किया, या आई थिंक अभी तो पैरेलल दोनों ही चल रहे हैं, मेंस वेयर? दोनों पैरेलल थे, खवातीन और मर्दों दोनों के लिए। 94 मेंस वेयर था एंड 2 महीने के बाद वुमेंस वेयर था। अच्छा। लेकिन वुमेंस वेयर को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बिकॉज मैं बहुत एजी किस्म के कपड़े बनाता था। अच्छा। ऐसे कपड़े उस जमाने में जो कि क्या कहते हैं, औरतें खौफजदा हो जाती थी, हमारे कल्चर से मेरे ख्याल से ज्यादा ब्लेंड नहीं होते थे, पाकिस्तानी कल्चर नहीं, वेस्टर्न वेयर था। जी। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट मैंने कभी नहीं समझा, उसका इम्पैक्ट मैंने सालों बाद समझा कि जो दूसरे डिज़ाइनर्स थे या फेलो स्टूडेंट्स थे या जो काम करना चाह रहे थे, उनको वो डिज़ाइन बहुत प्रोग्रेसिव नज़र आता था। अच्छा। और वो डिज़ाइन आई थिंक एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी था पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए। उस किस्म का किसी ने लोकली किया नहीं था। और उस जमाने में वेस्टर्न वेयर इतना अवेलेबल भी नहीं था मार्केट में। सही। आपको बाहर जाना पड़ता था टू बाय वेस्टर्न क्लोथ्स। बिल्कुल सही, बिकॉज़ नेशनल मार्केट तो थी, लोग तो पहनना चाहते थे। जी। लेकिन उसको तरजीह नहीं दी जाती थी, इसलिए लोग बनाते नहीं थे। तो आप पायनियर डिजाइनर हो गए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसके बाद मेरी लड़ाई से अभी भी वही होती है कि तुम आम कपड़े ना बनाया करो, बहुत ज्यादा उसमें लोग बनाते हैं, तुम वही अपना स्टाइल रखो। लेकिन ही हैज टू आई गेस कैटर टू, तो आम ही है ना, तो वो तो बनाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देन दिस लाइफ वेंट ऑन, वी ओपन्ड आवर फर्स्ट स्टोर, वी ओपन्ड इस्लामाबाद का स्टोर था, फिर हमने लाहौर खोला। अच्छा। हमारा लाहौर का स्टोर भी काफ़ी 18 साल पुराना स्टोर है ये वाला। अच्छा। वी वर द फर्स्ट डिज़ाइनर्स टू गो इनटू रिटेल बिजनेस। अच्छा। जो कि उस जमाने में कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो है वो घर से काम किया करते थे, स्टूडियो से काम करते थे, प्राइवेट अपॉइंटमेंट्स के साथ। अच्छा। तो मेरे बारे में कहा जाता है कि वी इंट्रोड्यूस वॉट वॉज कॉल्ड affordable fashion. और उस जमाने में affordable fashion which was ready to readily available off the rack, जो कि नहीं था उस जमाने में ये concept. सही। तो वो बढ़ते चले गए और माशाल्लाह आज हम
25 साल के बाद या 23 साल के बाद बैठे हुए आपके सामने, माशाल्लाह जी। तो अभी आपकी जो खवातीन की जो लाइन है आपकी, उसमें आपके फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, कैजुअल भी, ब्राइडल भी है, कैजुअल भी है, फॉर्मल। हम 4 लाइंस हमारी मेंस वेयर की हैं, 4 लाइंस वुमेन्स वेयर की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो जो स्टोर्स पे सप्लाई होता है वो फॉर्मल, वो प्रेट होता है, और लग्जरी प्रेट या फॉर्मल, इनफॉर्मल और थोड़ा फॉर्मल। अच्छा। और बाकी जो है वो बाय अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि जनरली तो यही कहा जाता है कि कोई भी ओकेजन हो, दीपक परवानी के कपड़े हर एज ग्रुप के लिए और हर मौके की मुनासिबत से अवेलेबल होते हैं। तो इस साल की लॉन आ गई? इस साल लॉन की नहीं है एक्चुअली। मैं अपने इंटरेस्ट की बात कर रही हूं। नहीं सर, डिजिटल प्रिंट की है लॉन के ऊपर। अच्छा। प्राइवेटली, लेकिन किसी मिल के साथ लॉन नहीं की। अच्छा। थोड़ा इंसान, मैं ब्रेक ले रहा हूँ इस साल, और थक भी जाता है, बिकॉज आई थिंक मार्केट में लॉन 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 सिर्फ लॉन ही नजर आती है। तो इस साल हमने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया कि हम अपनी कलेक्शन निकालें एज अपोज टू एक मिल के साथ कोलैबोरेशन करें। बिल्कुल सही हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचटी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या राया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायत खून चुका,
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव फिर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्ज़ा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्ज़ा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमे आपकी रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत से उसमें बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं दीपक परवानी और एक्स सुपर मॉडल अतिया खान के साथ। आपको हर साल हर सीज़न में जो आपका प्रिंस आने वाले होते हैं उसकी थॉट्स कहाँ से आती हैं? व्हाट डू यू हैव इन माइंड, मतलब कुछ सोचा क्या होता है? मेरे बारे में ये कहा जाता है ज़्यादातर कि मैं हमेशा आर्ट से इंस्पायर होता हूँ। इस साल हमने जो इंस्पिरेशन ली है वो एक आर्टिस्ट हैं जॉर्जी ओकीफ के नाम से, तो उनके कुछ वो फूलों के ऊपर पेंट करती, वो सिर्फ फूल पेंट करती थी। अच्छा। तो इंस्पिरेशन मेरे ख्याल में कहीं मैं कल मज़ार पर जाके इंस्पिरेशन मज़ार से आ सकती है, दाता दरबार से आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या कि वो कहाँ से आप किस चीज़ को उठाते हैं और उसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं और अपना वर्जन कैसे निकालते हैं उसका। तो इस सब को देखते हुए फिर मैं ये सोचूं कि आपने जो एक कुर्ता बनाया जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और माशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आया, तो उसका ख्याल कैसे आया आपको? एक्चुअली इस कुर्ते का ख्याल मुझे नहीं आया था। अच्छा। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं साफ साफ ये बात बता रहा हूं। लेकिन नाम तो आपका बुक में आया हुआ है माशाल्लाह। नाम मेरा था, वो एक कोलैबोरेशन थी एक ब्रांड के साथ। वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको पहले कहा कि देखिए मुझे गिनीज बुक में होने का कोई शौक नहीं है और मुझे तो ये बात समझ भी नहीं आ रही, आप लोग मेरे ऑफिस से चले जाएं। अच्छा। बात है। फिर वो दूसरी बार आए तो मैंने उनको दूसरी बार कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में और भी डिजाइनर्स हैं जिनके साथ आप ये कुर्ता कर सकते हैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई, मुझे नहीं करना ये कुर्ता। तो फिर जब तीसरी बार वो आए तो उन्होंने मुझे फिर सोशल कॉज दिया कि जी अगर आप माइंड ना करें तो हम ये अगर ईदी के बच्चों के साथ अगर ये प्रोजेक्ट करें और वो कुर्ता काट के दिया जाए उन बच्चों को और उसमें से उनके कुर्ते शलवार बनाए जाएं और हम और 200 कुर्ते शलवार को डोनेट करने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने कहा चलो ये प्रोजेक्ट का वायबल नज़र आता है, लेट्स डू इट। तो इट बिकेम द लार्जेस्ट कुर्ता इन द वर्ल्ड और मुझे मेरे ख्याल में ऑडियंस को शलवार का इंतज़ार है कि वो मैं लार्जेस्ट शलवार का बनाऊँगा। अब खाली कुर्ता तो लोग नहीं पहन के जा सकते, शलवार तो आनी है साथ। तो और वो गिनीज बुक पे चला गया, फिर वो लोग आए, उन्होंने मेजर किया, वो कुर्ता इतना बड़ा था कि वो फिट नहीं आए कहीं पर। अच्छा। वो उसको क्रेन से लगाया गया नेशनल स्टेडियम के ऊपर। अच्छा। और मेजर करने के लिए बिकॉज इट वाज ह्यूज, इट वाज अ मॉन्स्ट्रस पीस। और फिर वो लोग आए वहाँ से जो गोरे आते हैं और मेजर करने के लिए और सब, और फिर उस पर एक अवार्ड दिया गया कि जी द लार्जेस्ट कुर्ता इन द वर्ल्ड। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप अपने काम के साथ साथ जो आप शोबिज़ में करते हैं या फैशन डिजाइनिंग में एक्टिंग में उसके साथ आप सामाजिक काम भी करते हैं। कोशिश करता हूँ जो कुछ हो सके मुझसे जी।
तो क्या कोई इदारा बनाया हुआ आपने या किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं आप, उस तरह आप काम कर रहे हैं? काफ़ी इदारों के साथ मुंसलिक हैं। अभी हम काम कर रहे हैं, एजुकेट अ गर्ल एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसपे हमने अभी 20 स्कॉलरशिप्स दी हैं। फिर एक और चैरिटी जो न्यूयॉर्क की बेस्ड है, विच इज़ इस्लामिक चैरिटी ऑन रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। स्पेशल ओलंपिक्स आपके पास एक चैरिटी है जो कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको विंटर गेम्स के लिए ओलंपिक्स के लिए जाना होता है, उनके साथ हम काम करते हैं। अमेरिकन ह्यूमन डेवलपमेंट फंड एक और चैरिटी है, उसके साथ काम करते हैं। आहन के साथ काम करते हैं, विच इज़ एक हुनर एक नगर। अच्छा। जो कि क्लस्टर्स हैं इंटीरियर सिंध में, कि उनको रली का काम कैसे सिखाया जाता है, टुक कैसे सिखाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सिखाए जाते हैं और कैसे वो रोज़ के 120 रुपये या 100 रुपये अर्न कर सकती हैं वो औरतें। तो जो मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर जो क्लस्टर्स हमारे आइडेंटिफाइड हैं वो ज़्यादातर औरतों को हेल्प करने के लिए हैं। अच्छा, आप भी कोई इनके साथ हेल्प करती हैं इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर या कुछ गाइड करती हैं या कुछ अलग से काम है आपके? सो आई एम मोर इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग सूफीज़म नंबर वन, एंड देन आई हैव अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट कॉल्ड थर्ड ऑप्शन जो विच इज़ कॉलिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड कंसेंसस बिल्डिंग टूवर्ड्स रिफॉर्म्स इन आवर सिस्टम। Because Deepak is the kind of person who has a lot of very good ideas, a lot of passion, a lot of drive, और वो जिस चीज़ में involve हो जाता है उसका momentum काफ़ी जो है बढ़ जाता है। नहीं, I think अगर कोई project आप ले रहे हैं या किसी चीज़ पर commitment कर रहे हैं तो कुछ आप उसका deliver भी कीजिए। बिल्कुल। अगर कुछ नहीं तो at least, if not 100%, at least 60-70%। Yeah. And he's driven, he's passionate, so I love all the projects, chalang maar deta hai, all the charities that I work with. Main to aap mujhe 7 baje subah uthayenge aur kahenge chalo walk across pe aur 10 mile ki daud laga ke aa jao aur piche sticker laga lo, main karne ke liye taiyar hu ki theek hai chalo, is pe bhi kisi ka bhala ho jayega. Acha nahi, mashallah, aapki energy nazar aa rahi hai ki jis tarike se aap mukhtalif kamon mein involve hai, itni successful aapki personality hai, aur I'm sure hamare dekhne wale nazreen ke liye bhi bahut achhi misal hai ye कि आप एक काम पे रह कर भी आप दूसरे कामों को कैसे आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, अपने अपना ज़मीर भी आपका सेटिस्फाई होता है अच्छे काम करने से, समाजी काम करने से, और आप अपनी मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मतलब ये इस किस्म का दीपक ये है, और मुझे ये बिल्कुल इरिटेट भी करता है कि आप इसके साथ जैसे अगर एक घंटा बैठेंगे ना तो कोई 300 आइडियाज इसके पास होंगे। इतनी क्रिएटिविटी है। आई मीन बट इट्स लाइक इसको जब लगे गलत बातों की बस बस करो। हां, तो डू इट बिकॉज़ यू नो हिज माइंड डजंट स्टॉप, ही इज लाइक कांस्टेंटली ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, ये हो जाएगा, अच्छा वो कर लेते हैं, यू नो ही इज गॉट अ भाई, अगर किसी काम से किसी का भला हो सकता है और इट्स अ पॉजिटिव आइडिया तो क्यों नहीं। अभी भी हमने जब अभी पाकिस्तान फैशन वीक खत्म हुआ है तो उस पे फैशन वीक हमने 3 दिन का रखा था और हमने उस पे भी एक दिन कैंसिल कर दिया, तो इस साल जो तीसरा दिन था उसकी जो कॉस्ट बच सकती थी बिकॉज वी आर एन एनजीओ, तो उसकी जो कॉस्ट बची थी उसमें हमने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे दी हैं एआईएफडी में, पीआईएफटी में और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें भी काफ़ी उधम मचा कि आप कैसे कर सकते हैं ये। मैंने कहा भाई कैसे क्यों नहीं कर सकते, अगर यंग बच्चों को चांस ही दोगे तो आगे फैशन कैसे बढ़ेगा, या यंग अगर जब वो अगर किसी को चांस ही देगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जिंदगी में। हमें भी शायद किसी ने चांस दिया तो हम इस यहाँ पहुँचे हम, तो हमें भी किसी को चांस देना चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा उस हिसाब से एक सिचुएशन को देखता हूँ, तो ये फंड हमने इस साल उसके लिए क्रिएट किया, उसको डोनेट किया आपने। तो मे बी हमारे पास ज़्यादा पैसे ना हो या हम इतने बड़े लोग ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं वो सबको करनी चाहिए। अतिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सूफीज़म पर आप काम कर रही हैं, हमारे यहाँ रवैयों में बड़ी सख्ती है, हम देखते हैं कि एक अजीब सी शिद्दत पसंदी है जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान में देखते हैं, इसी नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वी आर द लैंड ऑफ द सूफीज़, यहाँ इस्लाम सूफी लेके आए हैं, यहाँ के जो लोग थे वो बहुत सूफियाना थे, लेकिन पिछले 20-25 साल में एक कंसर्टेड एफर्ट किया गया है विद फंडिंग विद प्लानिंग कि आप के मदरसे मॉस्क को रेडिकलाइज किया जाए, जो जिस किस्म का इस्लाम जिसको हम मानते हैं उसका बिल्कुल पोलर ऑपोजिट एक फीड किया गया है। और बेचारे देखें, अब बच्चे जो हैं मदरसे में उनकी फैमिली से फिर आप बिल्कुल उनको कट ऑफ कर देते हैं, अब जो मर्जी है वो उनको सबक पढ़ाएं, वो तो वही उसी तरह से फिर निकलेंगे ना। एक तरफ आप जो है कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दों को हम मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप रोज़ जो हैं लाखों नए दहशतगर्द या उसकी मैंटेलिटी वाले लोग आप जो है पैदा कर रहे हैं।
तो जब तक आइडियोलॉजी को आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, देखें पाकिस्तान बना था एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल के जो सूफियाना एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इनलाइटेंड इस्लाम, उसका कॉन्सेप्ट है, तो वो हमें वी हैव टू रिकनेक्ट बैक टू दैट एंड वी और हम अब डर नहीं सकते हैं। तो उसी हवाले से हम कुछ इनिशिएटिव्स करना चाह रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैं 2001 से जिस पे काम कर रही हूँ, अब एक फाइनल उसका एक फ़ेज़ हो रहा है जिसमें एक रोड ट्रिप, सूफी रोड ट्रिप होगा जिसमें हम सारे मज़ारात को जो है टच करते हुए कराची से विल गो टू दाता साहब एंड देन फ्रॉम दाता साहब टू बड़ी इमाम बट और ये एक सोशल मीडिया पर हम इसकी कैंपेन चलाएँगे ताकि लोगों को दोबारा से वो विजुअल्स मिलें, वो दोबारा से समझ सकें कि किस किस्म का कनेक्शन और इससे किस किस्म की आपको रूहानियत और किस किस्म का जो है एक एक मैसेज मिलता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, इस वक्त हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम हम एक है में वापस आकर आपसे मुलाकात करवाएंगे दीपक परवानी और उनकी फ्रेंड अतिया खान से। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HT। तजुर्बा भी सोच विचार ही, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HT पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे, हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HT पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका,
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाई हैं। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है उस आदमी को। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक है। हमारे साथ आज मौजूद हैं फेमस फैशन डिजाइनर दीपक परवानी और एक्स सुपर मॉडल अतिया खान। दीपक, आपकी फिलॉसफी है जियो और जीने दो, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे हमें कि क्या कहते हैं आप इस बारे में। पाकिस्तान का नॉर्मल बाशिंदा है, वो खुशहाली चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बेटी बच्चों की शादी कराना चाहता है, अच्छा घर चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, और उनको जीने का हक है। और हमने उनको एक ज़िंदगी को इतना कॉन्वल्यूट कर दिया है हर सिचुएशन में, इतने डिविजन्स हम ले आए हैं उसके अंदर कि वो सिंधी है या पंजाबी है या पठान है या पश्तून है या जो कुछ भी है। मेरे ख्याल में एक नॉर्मल आदमी सिर्फ जीना ही चाहता है बेशक खुशी से, तो वहाँ से ये टैगलाइन है कि जियो और जीने दो और छोड़ दो बेचारों को, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में हर इंसान में है कुछ ना कुछ मसाइल मौजूद हैं, हर किसी के अपने लेवल पे हैं। मेरे ख्याल में रोटी कपड़ा और मकान का कॉन्सेप्ट तो 70 साल पहले ही चला गया, और ना मिला मकान, ना मिली रोटी और ना मिला कपड़ा। लेकिन अगर कुछ नहीं और सही तो पाकिस्तानियों को थोड़ी खुशी, थोड़ा सब्र और क्या कहते हैं, थोड़ा बिलीफ अपने ऊपर होना चाहिए और आना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, ना कि वो सारा दिन इसी में मसरूफ़ हों या पॉलिटिक्स में मसरूफ़ हों या किसकी बात सुने और किसकी गलत बात ना सुने और आगे जाते रहें। आप सकाफत के सफ़ीर भी रहे हैं, कल्चरल एम्बेसडर भी रहे हैं, आई गेस मलेशिया और चाइना के, जी जी। तो क्या कभी आपको कोई ऑफ़र हुई है इससे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोर्टफोलियो ऐसा लेने का? काफ़ी ऑफर मैं कहूँगा आई हैं और पिछले 10-15 सालों में, लेकिन अब्बा जो थे वो एक ज़माने में प्रोविंशियल असम्बली के मेम्बर थे और अभी भी चचा जो है वो नेशनल असम्बली में है, चच मामू हैं वो सेनेटर भी हैं जी, कज़न एक MNA भी हैं। सही, मैं समझता हूँ कि जो काम अच्छा खुद हो सकता हो इंडिपेंडेंटली, जिसमें इंसान जाके आराम से रात को सोए कि जी मैंने जी दो लोगों का भला किया, ठीक है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू टेकिंग अ सीट एंड इन अ पोजिशन ऑफ पावर टू मैनिपुलेट पीपल। और सियासत इस मुल्क में इतनी गंदी हो चुकी है, you know? और मैं थोड़ा मुँह फट किस्म का इंसान हूँ, शायद सियासत में खेल नहीं सकूँगा। शायद कुछ लोग जो आपके साथ होंगे उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए अब्सॉर्ब करना। बिल्कुल, वो कहते हैं कि तुम्हें सियासत के लिए हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी पार्टी में फिट नहीं हो सकेंगे, you know what I mean? और वैसे आप काम भी कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर, तो क्या कोई अंदर जाके फिर आपने कॉम्प्रोमाइज करना होता है उसी सिस्टम के साथ, सिस्टम से बाहर रह के आप डिमांड कर सकते हैं सिस्टम में आप चेंज लेके आए। और इंसान जब किसी का मोहताज ना हो ना, खुद अकेला काम कर रहा हो या लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम कर रहा हो और ये प्रेशर ना हो उसके ऊपर, मेरे ख्याल में आप ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज ईडी साहब को देख लें, ईडी साहब ने क्या किया, खुद ही किया सब कुछ जी, और कितना अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल, और क्या नहीं था उनके, क्या उनको सीट नहीं मिल सकती थी या वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते थे या वो मिनिस्टर नहीं बन सकते थे? बिल्कुल, वो मुंह खोलते उनको दिया जाता, इनफैक्ट मुंह खोलते तो पूरा पाकिस्तान उनको देता। क्योंकि आप आई गेस जब आप सामाजिक काम करते हैं वैसे भी एक टाइम पर आप सेल्फलेस हो जाते हैं, अपने से आगे आप सोच रहे होते हैं, उनकी बहुत क्लियर एक आइडियोलॉजी। मेरे ख्याल में जब राजनीति में लोग आते हैं, राजनीति कही है ना मुझे पॉलिटिक्स को, जी, राजनीति में लोग आते हैं तो अपना असल मकसद भूल जाते हैं और इसी में बिजी रहते हैं कि जी किसको खुश करना और किसको खुश नहीं करना। तो राजनीति का वही है ना कि भाई वो हम जैसे कह रहे थे कि 15 करोड़ की सीट है, तो अगर आपने 15-20-30 करोड़ आपने इन्वेस्ट किए हैं तो सबसे पहले तो आप उसको रिकवर करेंगे, तो धंधा हो गया ना। बिल्कुल, पहले रिकवर करेंगे और फिर अगले 4 साल बाद आपको पता दोबारा इलेक्शन होने हैं तो उसकी तैयारी भी करनी है आपने, और वो भी इधर से ही आएगा आपको। तो मुनाफा तो फिर आप 400% 500% जब तक मुनाफा आपको नहीं मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ना सही। आप पायनियर हैं मलेशिया में जो इस्लामिक
फैशन जो आपने मुतारफ करवाया, उस जमाने में इस्लामिक फैशन की बहुत डिमांड थी क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है और इन सारे मुल्कों ब्रुनाई में है, तो उस बेल्ट में दे फेल के फैशन इस्लामिक फैशन कैन बी फैशनेबल विथ मॉडेस्टी, ये उनका स्लोगन था। ठीक है, कि ये मतलब नहीं कि अगर आप कवर्ड है या आपने कवर्ड लिबास पहना हुआ है तो आप सोसाइटी के साथ फैशनेबल नहीं है, सोसाइटी के साथ अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, और अभी भी बहुत उसकी बहुत डिमांड है। अगर आप उनके हेड ड्रेस देखें या उनका जो जिस तरह से वो पिने लगाते हैं, जिस तरह से सर की ड्रेपिंग करते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, तो वो एक तरह से फैशनेबल भी है बट मॉडेस्ट एंड कवर्ड एट द सेम टाइम। अच्छा, तो इट वेंट रियली वेल, वो बहुत वो फैशन वीक चला। फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया बिकॉज मैंने सपोर्ट तो की थी लेकिन मैं साइड पे कपड़े नहीं बना सकता था, मैं बनाता ही नहीं था क्योंकि मुझे वो मेरा आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट नहीं था। सही। तो उस जमाने में अतिया बीबी का शौक था कि जी मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक हमें फैशन से शुरू से था और उस जमाने में मैंने खुद हिजाब करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं हिजाब करती थी लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं बहुत खूबसूरती से करूँ और मेकअप भी लगाऊं और खूबसूरत भी लगूं लेकिन मैं अपने आप को कवर करूं। तो उस ज़माने में उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हुई क्योंकि लोगों ने कहा कि जी हिजाब का मतलब ये है कि आप बदसूरत हो जाएं। बिल्कुल, तो उस वक्त मेरा एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ कि देखें अल्लाह खूबसूरत है एंड गॉड लव्स ब्यूटी। सही, खूबसूरती तो एक अल्लाह का वो है ना, द पॉइंट इज़ नॉट खूबसूरत है। यस, आपको खूबसूरत लगना है, लगे खूबसूरत लेकिन एक प्रॉपरली कवर्ड अप वे, नहीं कि आप नंगे होके, सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि आप खूबसूरत हों। तो उससे फिर मेरे एक चैलेंज हो गया कि आई एम गोइंग टू चैलेंज माई ओन फटर्निटी क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस मेरे ही लोगों से आ रहे था ना, जो हमारे जो मेरे फैशन के दोस्त वगैरह थे कि ये क्या बकवास है, तुमने अपने आप को कवर करना शुरू किया। सो जब हिजाबी औरत का सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत ही कोई ओप्रेस्ड रिप्रेस्ड, कोई बहुत ही बेचारी औरत, उस पर जुल्म हो रहा है, इसलिए वो उस जमाने में होता था ना। तो मैंने कहा मैं इस तरह का एक कलेक्शन करूँ कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसमें एक इमेज आए एक वॉरियर औरत का और आप ये दिखाएं कि मैं बिल्कुल अपने आप को कवर करके भी मैं खूबसूरत भी लग सकती हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी लग सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो बात एक थॉट। Tell us about the experience of going to Malaysia. So they loved it because वहाँ ज़्यादातर जो है ना वो मलेशिया थोड़ा सा soft उनका style होता है ना, तो बहुत ही pretty soft soft and I came up with you know very martial और बहुत ज़्यादा strong और vibrant colors और वो सब होंगे। नहीं, full रज़िया सुल्ताना थी। अच्छा, yeah, it was very militant and strong kind of image. So it got rave reviews. It was covered all over. फिर उसका एक उन्होंने AFP ने भी वो इसका एक न्यूज पीस बनाया था जो याहू स्टोरी ऑफ द डे था, इट गॉट लाइक मिलियंस ऑफ हिट्स, सो इट बिकेम लाइक अ ह्यूज इंटरनेशनल फिनोमेना। अच्छा, और हम इस्लामिक फैशन को कैसे देख रहे थे। बिल्कुल, एंड आई थॉट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट जब वो याहू पे स्टोरी आई तो आई थिंक उस पर कोई 30 मिलियन हिट्स थे, पता नहीं क्या था उसके ऊपर, इट वाज रिडिकुलस। और दुनिया जहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए, चाइना से फ़ोन आना शुरू हो गए, मलेशिया से फ़ोन आना शुरू हो गए कि जी हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ये चाहिए। अब मैडम कुछ आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मैंने कहा दीपक तुम कर लो ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, आइडिया तुम्हारा था। मेरे पास खाली कॉन्टैक्ट था कि मैं इसे मलेशिया भेज दूँ, तो मैंने भेज दिया ऐसे। सही, तो बट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, उसका मकसद जो था वो फिर पूरा हो। मेरे हिजाब का मतलब तो जो हम लफ्जी मतलब देखें तो वो पर्दा है, पर अब वो चेंज आ गया है। अब आप यंग जनरेशन देखें, जो लड़कियां हिजाब कर रही हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं और वो अपना कुछ डायमोंड्स भी लगा रही हैं और वो कलर्स भी कर रही हैं, तो देयर इज अ शिफ्ट नाउ। जब आई स्टार्टेड तो वो बहुत ही ब्राउनी वाली होती थी ना जो हिजाब करती थी। पर्दा तो आपकी नज़र का पर्दा भी होता है, आपकी सोच का पर्दा भी होता है। हम वो नहीं लाते, हम जो है ज़ाहिरी देखने पर हम पाबंदी ज़्यादा लगा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। ये तो आपने वही बात की, किताब पढ़ी ही नहीं जी और कवर से जज कर लिया, वही बात हो गई ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात की आपने। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके, बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो कि हम रेफर बैक कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों को। Right. जो कि आपका एक्सपीरियंस रहा और हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी है कि अब चीज़ें कैसे बदल रही हैं, बेहतर हो गई हैं। नाज़रीन, इस गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाति मुफाद से बढ़कर
इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HT। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं फेमस फैशन डिज़ाइनर दीपक परवानी और एक्स सुपर मॉडल अतिया खान के साथ। हमारे साथ दीपक यहाँ पर ऑडियंस ही मौजूद हैं और आई एम श्योर वो इंतज़ार कर रही होगी कि कब उनको मौका मिलेगा और आपसे सवाल पूछे। लेकिन इससे पहले कि उनके पास हम जाएँ, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या विजन है, क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरा इस साल का जो मैंडेट है वो काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा। मैं और अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग सम रियली स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स। ओके, और आई एम मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और अगले मे बी 15-20 साल ही रहेंगे। जी माशाल्लाह, आपने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि आई एम श्योर कि अब ना सिर्फ जितना वक्त रह गया है उसमें आई एम श्योर बहुत सारे और अच्छे काम करके जाएंगे जो कि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल होंगे। दुआएं हो तो सब कुछ मिल जाता है, अच्छी अच्छी दुआएं मिलनी चाहिए। अब क्या आप बताएं, आपकी क्या प्लान्स, आगे क्या करना चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं? जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चाह रहे हैं रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। अच्छा। सियासतदान तो हैं ही करप्ट, लेकिन जो हमारे बाकी टेक्नोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कितने साफ़ सुथरे हैं, उनके वो भी काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं इस सारे प्रोसेस में से। तो और इतनी ज़्यादा ये करप्शन और मिसमैनेजमेंट और ये सब कुछ बढ़ गई है हमारे मुल्क में कि 80-90% लोग प्रॉबेबली इन्वॉल्व हैं किसी न किसी लेवल पे। तो आप
इतना ज्यादा तो आप सफाया या अकाउंटेबिलिटी या कितने लोगों को आप जेलों में डालेंगे, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता। कुछ रूहानी तरह से कुछ हम सबको सपोर्ट मिले कि हम अपने किरदारों को बेहतर कर सकें, हम आखिरत का सोचें, हम अपने मुल्क का सोचें। 70% हमारी जो पॉपुलेशन है इज़ अंडर द एज ऑफ 35, दैट्स अ ह्यूज पावर, एंड दे और वो उस पुरानी थिंकिंग में स्टक नहीं है, वो तब्दीली चाह रहे हैं, वो कोई नए इशू ये भी है कि आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, आपने कहा था कि आपका जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी वजह है कि आपने यूथ को अपॉर्चुनिटी क्या दी है। बिल्कुल सही, आपने क्या अपॉर्चुनिटी दी है? आप एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पर लोग घर से गाड़ी के बगैर नहीं निकल सकते, वो रोड पे वॉक नहीं कर सकते ना, आप अगर पार्क हैं तो उसको आप कुछ और आप उसको प्लाजा बना देते हैं ना, उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, वो अगर टैलेंटेड भी हैं तो वो दुनिया टीवी पे दुनिया को देख रहे हैं, कंप्यूटर पे दुनिया को देख रहे हैं, और उनके पास कुछ है ही नहीं, और सिफारिश देख रहे हैं कि भाई सिफारिशी लोग जो अनक्वालिफाइड हैं वो तो अगर बिल्कुल सही, अगर उनके पास ए ग्रेड भी है, अच्छे 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 मार्क्स भी हैं, तो सिफारिश नहीं है तो कुछ नहीं है, होप नहीं है। हाँ जी, मेन थिंग है उनकी उम्मीद, आप उनकी उम्मीद जो है, उम्मीद किसी इंसान की या किसी बच्चे की कायम रखना उसी पे है कि सामने वो एक सिस्टम पे बिलीव करता है और कहता है कि जी इस सिस्टम में मेरी उम्मीद है क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि सिस्टम सही है। बिल्कुल, आपका सिस्टम ही सही नहीं तो बेचारा वो बच्चा उम्मीद करके आगे कहाँ बढ़ेगा और कहाँ पाकिस्तान आगे जाएगा। और पहले एक वो ख्वाब होता था बच्चों का कि जी हम अमरीका चले जाएँ या कहीं और भाग जाएँ बस, कि बस ये मुल्क तो बिल्कुल ख़राब है, अब तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है क्योंकि अभी तो आपको दुनिया भर से जूते पड़ रहे हैं, तो अब और एहसास करना पड़ेगा भाई यही है मुल्क, इसी को बचाओ, इसी को ठीक करो, और कहीं आपका